अभी मैच लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर, जहां पे इस वक्त फर्स्ट प्रो 3x3 मैन वुमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट जारी है। बॉल अब वापदा के पास है, लाहौर कॉलेज में बॉल को लेते हुए जा रहे हैं। वेरी गुड ड्रिबलिंग बाय हमदा रानी। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं वापदा की टीम में है कायनात, लाइबा, हिजाब और सिद्रा, और लाहौर कॉलेज की बी टीम में है एमन, मार्टिन, हमदा और सना। इसे मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि दोनों ही टीम्स के एक एक पॉइंट्स हैं। गुड अटेम्प्ट बाय हमदा एंड गुड रीबाउंड बाय लाहौर कॉलेज। बॉल अब वापदा के हाथ में है, हिजाब के हाथ में, और ये पास देती हैं गार्ड को। गुड पास बट बॉल उनके हाथ से छूट गया। लेसेस टाई करने के लिए इन्होंने अभी टाइम आउट लिया है। अभी मैच लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर, जहां पे इस वक्त फर्स्ट प्रो 3x3 मैन वुमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट जारी है। दो टीम्स इस वक्त जो खेल रही हैं, एक है वापदा, दूसरी है। वेरी गुड अटेम्प्ट बाय हमदा रानी, गुड लेअप। अच्छी ट्राई, लेकिन बॉल अब फिर वापदा के पास है। गुड पास, हिजाब ने वापदा को 7 बार रिप्रेजेंट किया है और ये लोग हमेशा वुमेन बास्केटबॉल नेशनल चैम्पियनशिप जीते हैं। इनकी बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ये लाहौर कॉलेज की सपोर्टर्स अपनी टीम के लिए बैठी हुई हैं। लाहौर कॉलेज की जानिब से अगर आप देख रहे हैं, हमदा रानी बहुत ही उम्दा खेल दिखाते हुए नज़र आ रही हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से गेम को चलाने की कोशिश कर रही हैं और स्कोर जो है अभी 1-1 है। इस वक्त दोनों टीम्स पॉइंट्स लेने की कोशिश में अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही हैं। बिल्कुल। बॉल अब फिर से वापदा के पास है। ये वापदा की प्लेयर सिद्रा हैं, लेकिन फाउल कर दिया है लाहौर कॉलेज की टीम ने। अच्छा, इस गेम में ना आपको फाउल का बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। जैसे ही ये 6 फाउल कर देंगी, फिर हर फाउल पे दूसरी टीम को मिलेगा फ्री शॉट। तो इस चीज़ का आपको ख्याल करके चलना पड़ता है कि आप फाउल कम से कम करें। इस वक्त दोनों ही टीम्स डी से बाहर हैं। वेरी गुड अटेम्प्ट बाय सिद्रा एंड गुड शॉट। वापदा के होते हैं इसी तरीके से 2 पॉइंट्स। अब लाहौर कॉलेज पे प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। इस गेम में आप ड्रिबल कम से कम करेंगे, उतना ही आपका स्कोर होगा। आप ड्रिबल कम करें, पासेस से गेम चलाएंगे, तो फिर ही स्कोर होगा। ये अच्छी कोशिश, लेकिन नाकाम रहे वहां पे। जैसा कि आपने कहा, वापदा की टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है और जी, उनके मुकाबले में लाहौर की बी कैटेगरी की टीम इस वक्त थोड़ी सी जूनियर है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, ये मुकाबला क्या वन साइडेड होगा? कि वन साइडेड नज़र तो नहीं आ रहा। लाहौर कॉलेज पूरी कोशिश कर रही है। वेरी गुड शॉट द हमदा रानी, 2 स्कोर इन्होंने किया। इसी तरीके से लाहौर कॉलेज की टीम जो है वो लीड पे चली जाती है।
अभी आप यही बात कर रहे थे कि एक्सपीरियंस की वजह से वापडा जो है वो जीत सकती है कि नहीं, लेकिन बात यह है कि अभी बहुत टफ मैच जा रहा है और दोनों टीम्स जो है वो कोई भी किसी से कम नहीं लग रही। जी हाँ, बहुत अच्छा डिफेंस और ऑफेंस करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो गया है वापडा की टीम पे। गुड पास, ये फ्री शॉट जो है अब हिजाब को मिला है। फ्री शॉट आपको तब मिलता है जब आप शॉट करते हुए बास्केट करते हुए अटेम्प्ट कर रहे हो और ओपोनेंट टीम जो है वो बीच में आपको हाथ आपके उसी हाथ पे अगर वो टच कर दे दैट मीन्स आपको फ्री थ्रो मिल जाएगा। ये अब वापडा की टीम ने टाइम आउट लिया है और ये हिजाब फातिमा जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो अपनी टीम को बताती चल रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने गेम चलानी है। जी हाँ, खेल जो समर्जी हो उसमें मेन चीज़ होती है स्ट्रेटजी कि आप उसको मैदान में किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्कुल, सब दोनों प्लेयर्स दोनों टीम के प्लेयर्स एक नए जोश के साथ दोबारा वापस आएंगे टाइम आउट के बाद, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस मैच में अब क्या होता है आगे। फ्री शॉट से अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और वापडा को फ्री थ्रो फ्री शॉट मिली है। वापडा से हिजाब फातिमा जो है ये फ्री शॉट अटेम्प्ट करेंगी और रीबाउंड के लिए लाहौर कॉलेज से एमन खड़ी हुई है और वापडा से लाइबा। गुड अटेम्प्ट लेकिन बदकिस्मती से बॉल बास्केट नहीं हो पाई। इस वक्त गोल वापडा की टीम के पास। ये सिद्रा ने एक बार फिर से, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से डी के अंदर जा रही है, दूसरी टीम को वो ऐसा डॉज करती हैं और इस तरीके से शॉट अटेम्प्ट करती हैं कि वो पकड़ ही नहीं पाते उसे। जी हाँ, बिल्कुल मौका ही नहीं दिया अभी तक। जितना स्कोर है वापडा का वो सिद्रा ने किया है। इस वक्त 3-all स्कोर है दोनों टीम्स का। लाहौर कॉलेज की जानिब से 2 स्कोर हमदा रानी ने किया है और 1 स्कोर किया है एमन ने। वापडा से तीनों ही स्कोर सिद्रा ने किया है, जबकि सिद्रा जो है गार्ड की पोजीशन पे खेलती हैं, बट जिस तरीके से वो अंदर जा रही हैं, जिस तरीके से वो डी के अंदर जाके शॉट अटेम्प्ट कर रही हैं, बहुत ही उम्दा तरीका ये है। मार्टिन ने फ्री थ्रो की अटेम्प्ट की थी। लाइबा के हाथ में बॉल है वापडा से, उन्होंने हिजाब को बहुत ही अच्छा पास दिया। हिजाब ने बहुत अच्छा डॉज करके अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं शॉट कर सकी। बॉल वापस लाहौर कॉलेज के पास जा गया है, फिर ये बॉल हिजाब फातिमा के पास। वापडा की टीम से सिद्रा ने अटेम्प्ट की और गुड चेक बाय एमन लाहौर कॉलेज से। दोनों ही टीम्स बहुत ही अच्छा खेल रही हैं, बिल्कुल नहीं अंदाज़ा आप कर सकते कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी। बॉल फिर से लाहौर कॉलेज के पास आ रहा है। हमदा रानी 2 पॉइंट्स के लिए अटेम्प्ट करती है और बॉल बाहर। अब ये बॉल जो है वो वापडा के पास आएगा। लाइबा के पास बॉल है वापडा की टीम से, उन्होंने हिजाब फातिमा को पास दिया है। हिजाब फातिमा ने ट्राई किया है लेकिन नहीं हो सका। जी हाँ, ये अच्छी ट्राई लेकिन इसे दोनों टीम्स का प्लेयर स्कोर है 3-all। फ्री थ्रो फ्री शॉट अब सिद्रा को दी गई है वापडा से। इन्होंने ही पहले 3 स्कोर किया है, अब देखते हैं चौथा स्कोर नहीं कर सकें। लाहौर कॉलेज के पास फिर से बॉल आता है मार्टिन के पास। मार्टिन हमदा को पास करते नज़र आती हैं और मार्टिन ने बॉल पास किया एमन को जो कि सेंटर हैं और नाउ दे फिर उन्होंने कोशिश की थी एमन ने लेकिन नहीं कर सकें। ये सिद्रा फिर से अंदर करते, वेरी गुड शॉट। फिर स्कोर जो है वापडा की जाने से सिद्रा ने किया है।
चौथा स्कोर भी सिद्रा करती नजर आती हैं। जी हाँ, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सिद्रा ने ये बास्केट किया है। वापडा से हिजाब फातमा, सिद्रा और लाइबा खेल रही हैं, और लाहौर कॉलेज से एमन मार्टिन और हमदा रानी। बहुत ही अच्छी गेम चल रही है अभी, लेकिन लीड पे इस टाइम पे वापडा है और लाहौर कॉलेज की एक पॉइंट की ही लीड है वापडा की। इतना मुश्किल नहीं है कवर करना। वेरी गुड पास बाय हमदा, गुड अटेम्प्ट एमन, लेकिन ये नहीं हो सका। फ्री शॉट जो है अब एमन को मिली है वापडा की तरफ से, सिद्रा से फाउल हुआ और अब एमन के पास बॉल है और एमन जो है वो अटेम्प्ट करेंगी। अगर ये कर लेती हैं तो गेम जो है बहुत मुश्किल थोड़ी हो जाएगी, प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि गोल स्कोर ऑल हो जाएगा। गुड शॉट एंड इसी तरीके से फोर ऑल हो जाता है। जी हाँ, कुछ ही गुड डॉज बाकी। वेरी गुड पास बाय लाइबा, बट हिजाफा नहीं कर सकी इसको अटेम्प्ट। हमदा रानी ने शॉट अटेम्प्ट की थी और ये 2 मिनट रह गए हैं। अगर तो ये इसी तरीके से फोर ऑल रहता है तो इन्हें मिलेगा ओवर टाइम। ओवर टाइम में जो भी टीम पहले 2 पॉइंट्स कर लेगी दैट टीम इज़ गोइंग टू बी द विनर। जी हाँ, और आप ये मैच लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, फिफ्थ जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर, जहाँ पे फर्स्ट प्रो 3x3 मैंस वुमेन बास्केटबॉल टूर्नामेंट जारी है। जहाँ पे इस वक्त मुकाबला चल रहा है वुमेन की वापडा टीम और लाहौर कॉलेज वुमेन के दरमियान में। ये रेफरी ने कोई टाइम आउट लिया था, ऑफिशियल टाइम आउट था, टीम्स की तरफ से ये टाइम आउट नहीं था। और अब 2 मिनट का वक्त है दोनों टीम्स के पास। मैच अभी तक, ये 5वां मैच है जो हम देख रहे हैं, अभी तक कोई इतना टफ मैच गया नहीं है। और इस मैच में कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन जो है वो जीत हासिल करेगा। वेरी गुड अटेम्प्ट, सिद्रा वापडा के पास बॉल है, ये सिद्रा फिर अंदर जाती है और उन्होंने बाहर पास दिया ताकि बाहर प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट करे। हमदा रानी अटेम्प्ट करती है लाहौर कॉलेज की जाने से, लेकिन स्कोर नहीं होता। बॉल फिर से वापडा के पास, 1 मिनट और 30 सेकंड्स रह गए हैं। अब ये थोड़ी फास्ट गेम चलाएंगे, दोनों टीम्स की यही कोशिश होगी कि वो एक पॉइंट कर लें ताकि उनकी लीड हो जाए। बॉल अभी लाइबा के पास है वापडा की तरफ से, बहुत ही अच्छा पास उन्होंने सिद्रा को दिया है। सिद्रा को भी ये बॉल पास इसीलिए करी क्योंकि 4 स्कोर जो है सिद्रा ने ही सारा किया। वेरी गुड पास, अगर ये हिजाब कर नहीं कर सकी ये वो शॉट। बॉल लाहौर कॉलेज के पास, गुड रीबाउंड एंड गुड शॉट। आखिरी मिनट में लाहौर कॉलेज ने जो है वो स्कोर कर दिया है और अब ये मैच बहुत मुश्किल जीतने के लिए नज़र आ रहा है वापडा की तरफ से। वापडा को एक स्कोर करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करते तो फिर जो है वो लाहौर कॉलेज की टीम बी जो है वो जीत जाएगी। जी हाँ, इस मैच का बिल्कुल ही रुख बदल दिया लाहौर कॉलेज की टीम ने। अब लाहौर कॉलेज को जो है वो अपनी गेम थोड़ी स्लो कर देनी चाहिए अगर उन्होंने जीतना है। गुड अटेम्प्ट बाय लाहौर कॉलेज। ये वापडा के पास यही चांस है शॉट करने का, अगर ये कर लेते हैं, और ये स्कोर नहीं किया। अगर ये स्कोर हो जाता तो फिर मैच जो था वापडा के हाथ में दोबारा से आ जाता, लेकिन अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है लाहौर कॉलेज को। फिर से बॉल मिलती है और अगर ये स्लो गेम चलाते हैं तो ये मैच लाहौर कॉलेज जीत जाएगा। हमदा रानी ने अटेम्प्ट की है, ये बॉल वापडा के पास आता है, अगर ये अटेम्प्ट शॉट हो गई जो कि नहीं हुई। गुड अटेम्प्ट, एक स्कोर कर ले अगर वापडा तो ये मैच टाई हो जाएगा और फिर ओवर टाइम पे बात चली जाएगी।
फाउल किया है वापडा की टीम से लाइबा ने, उस वजह से लाहौर कॉलेज के पास ये बॉल आ गई है। आई गेस 10 to 15 सेकेंड्स रह गए हैं और ये मैच जो कि लग रहा है लाहौर कॉलेज जीता नज़र आ रहा है। एक्सपीरियंस टीम तो थी वापडा, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस उस तरीके से दिखाया नहीं है जो कि लाहौर कॉलेज के प्लेयर्स ने। वेरी गुड शॉट बाय लाहौर कॉलेज। और ये आखिरी कुछ सेकेंड्स रह गए हैं, ये बॉल आया वापडा के पास। अगर ये 2 शॉट अटेम्प्ट करते हैं तो ही ये जीत सकते हैं, वरना मुश्किल है। बॉल वापडा के पास, गुड अटेम्प्ट बट हार्ड लक। हमदा रानी को चाहिए कि ये बॉल अपडेट हो गई है। आखिरी 10 सेकेंड हैं इनके पास शॉट करने के लिए। वापडा को चाहिए कि वो डी के बाहर से शॉट अटेम्प्ट करें, तभी उन्हें जो है वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये फिर बहुत अच्छा पास देने की कोशिश थी सिद्रा की, लेकिन वो नहीं दे सकी। बॉल लाहौर कॉलेज अपने हाथ से जाने ही नहीं दे रहा। बहुत ही अच्छा ऑफेंस और बहुत ही अच्छी ड्रिबल दिखा रहे हैं लाहौर कॉलेज। बॉल अब वापडा के पास आई है और पास सिद्रा ने हिजाब को दिया जो कि सेंटर है। हिजाब अगर ये शॉट कर देती हैं जो कि उन्होंने फिर मिस कर दिया है। वापडा की जानब से सेंटर जो है, जो हिजाब खेल रही हैं, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह से वो पहले करती आई हैं काफ़ी मैचेस में। शायद अंडर प्रेशर आ गई हैं या फिर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं उतनी की हुई जितनी लाहौर कॉलेज की प्रैक्टिस इस टाइम पे नज़र आ रही है। जो कोऑर्डिनेशन वो टीम दिखा रही है वो वापडा की टीम नहीं दिखा पा रही, जबकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं वापडा के। जी हाँ, वापडा की टीम में है कायनात, लाइबा, हिजाब और सिद्रा, और लाहौर कॉलेज की बी कैटेगरी की टीम में है एमन, मार्टिन, हमदा एंड सना। इस वक्त आप ये मैच लाइव देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर, 5th जनरेशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स DHA लाहौर, जहां पर फर्स्ट प्रो 3x3 मैन वुमेन बास्केटबॉल का टूर्नामेंट जारी है। ये अभी ऑफिशियल्स की जानिब से इन्हें टाइम आउट दिया गया है, कुछ ही देर में ये मैच दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। और आखिरी टाइम है वापडा के पास कि वो स्कोर करते हैं। अगर तो ये 2 स्कोर कर लेती है वापडा डी के बाहर से अगर ये अटेम्प्ट करती हैं तो वापडा इज़ गोइंग टू बी द विनर। बट अगर ये नहीं कर सकें और अगर इन्होंने डी के अंदर से 1 स्कोर किया तो ये मैच टाई हो जाएगा, जिस पर इन्हें ओवर टाइम दिया जाएगा। उसी तरीके से लाहौर कॉलेज को चाहिए कि ये इनकी लीड है और ये अब स्लो गेम चलाएं। जितनी स्लो गेम चलाएंगे उतना ये टाइम वेस्ट करेंगे। ये एक स्ट्रेटजी होती है, जब कोई टीम मैच जीत रही होती है और उनके पास टाइम होता है तो उनको चाहिए कि वो ज़रा स्लो कर दें उस गेम को, ताकि मैच इतना टफ ना जाए और बॉल जो है वो दूसरी टीम के हाथ में ना जाए। जैसे ही उनके हाथ में जाएगा जाहिर सी बात है अगली टीम भी अपना पूरा भरपूर कोशिश करेगी उस मैच को जीतने की और बॉल पकड़ के शॉट अटेम्प्ट करने की। हिजाब ने शिफ्टिंग कर दी है, शिफ्टिंग भी एक फाउल होता है। आप डबल ड्रिबल नहीं कर सकते, शिफ्टिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते बॉल पकड़ के। अगर आपके हाथ में बॉल होगी, ये आखिरी गुड अटेम्प्ट, हमदा गुड शॉट, बॉल डेड हो गया, बॉल बाहर जाता है और ये बॉल अब वापडा के पास जाएगा। जी हाँ, कुछ ही सेकंड्स का, कुछ ही टाइम का ये खेल बाकी है। बॉल लाहौर कॉलेज के हाथ में है, इन्होंने 2 शॉट अटेम्प्ट किए और बॉल बाहर जाती है। वापडा की टीम से चाहिए जो कि इनकी गार्ड है वो गेम ऐसे चलाएं कि उनकी सेंटर को पास निकले और वो एक शॉट अटेम्प्ट कर सकें। ये इन्होंने शॉट अटेम्प्ट किया सिद्रा ने, लेकिन इन्हें फ्री शॉट मिली है। अब सारी की सारी गेम जो है वो इसी सब पे डिपेंड करती है, सारी गेम अब सिद्रा पे आ जाती है। अगर तो सिद्रा ने ये शॉट कर दी तो मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिद्रा ने ही सारा स्कोर अभी तक किया है वापडा की जानिब से, देखते हैं कि ये स्कोर, ओहो नहीं कर सकी।
बॉल लाहौर कॉलेज के हाथ में आता है और हमदा रानी अटेम्प्ट करती है शॉट, सिद्रा के पास बॉल है और ये हिजाब ने अटेम्प्ट किया एंड गुड शॉट। गुड शॉट। ना अब स्कोर जो है वो ऑल हो गया, 5-5। मैच बहुत ही मुश्किल आ गया, बहुत बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत टफ मैच हो गया है। दोनों टीम्स को जो है अब उतनी ही कोशिश करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया है मैच को। ये बॉल हमदा ने बहुत ही अच्छा पास देते हुए मार्टिन को दिया, अब ये पीछे से इन्होंने फाउल किया है। बॉल अगर आप किसी प्लेयर से इस तरह पकड़ेंगे तो दैट इज़ अ फाउल और उस पे आपको फ्री शॉट मिलेगी। अब मार्टिन को फ्री शॉट मिली है, अगर तो लाहौर कॉलेज से ये कर देती है फ्री शॉट तो ये गेम लाहौर कॉलेज जीत जाएगी। और वापडा जो है इस टाइम पे रीबाउंड लेने के लिए खड़ी हुई है, हिजाब और लाइबा लाइन पे खड़े हुए हैं फ्री शॉट रीबाउंड के लिए, और फ्री शॉट लाइन पे जो खड़ी हुई है वो है मार्टिन, जिनको आप अभी देख सकते हैं। ये सारी मेन बास्केटबॉल टीम अपने मैचेस का इंतज़ार करते हुए बैठे हुए हैं। ये सारा का सारा मैच अब इस एक फ्री शॉट पे डिपेंड करता है, बहुत प्रेशर बिल्डअप हो गया हुआ है और ये प्लेयर पे इस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है जब उसके ऊपर बात आ जाती है मैच जीतने की या हारने की। जी हाँ, और भी मैच रेफरी की जानिब से ये टाइम आउट लिया गया है, रेफरी ने बॉल दे दी है, अब इनके पास 2 सेकंड है, नहीं कर सकेंगे शॉट। अब ये इनको 2 शॉट देने का मकसद ये है कि दूसरी टीम ने 7 फाउल से ज़्यादा फाउल कर दिए थे इसलिए 2 शॉट मिली। हार्ड लक, हार्ड लक, गुड ट्राई, गुड शॉट। अब अगर वापडा दोबारा कोई भी फाउल करेगी तो 2 शॉट जो है लाहौर कॉलेज को मिलेंगे। गुड रीबाउंड बाय वापडा और अगर ये अटेम्प्ट फाउल कर दिया है लाहौर कॉलेज की टीम ने और हिजाब फातिमा को अब मिलती है फ्री शॉट। हिजाब अब फ्री शॉट अटेम्प्ट करेंगी, इसीलिए इस पूरी गेम में बड़ा डिपेंड करता है कि आप फाउल अपने बचा के करें। अब जितने फाउल होंगे उतनी ही फ्री शॉट्स मिलेंगी दोनों टीम्स को। हिजाब को अब फ्री शॉट मिली है और इसी के साथ हिजाब ने बास्केट कर दिया है। ये ओवर टाइम चल रहा है और इसमें अगर दो शॉट किसी भी टीम की तरफ से हो गए तो वो टीम जीत जाएगी। अब वापडा की तरफ से 1 शॉट हो चुका हुआ है, जैसे ही अगर ये दूसरा करते हैं तो वापडा इज़ गोइंग टू बी द विनर आई गेस। मैच ख़त्म अपने इख्तिताम पे आता है और वापडा जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम थी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया और वापडा ये गेम जीत गई है।